तो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो लेक्चर में आपने सीखा कि यूज ऑफ एट, यूज ऑफ इन या फिर इन टू, इसका प्रयोग मैंने अभी तक आपको प्रीपोजिशन के जो वीडियो सीरीज चल रही है इसमें आपको सिखाया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूज ऑफ ऑन, यानी ऑन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है या फिर इसके कितने सारे डिटेल्ड यूज होते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये है आपकी अपनी क्लास एक्सेलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाती है। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं, जिन्होंने जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, कि उनको मैं जो वीडियो के लास्ट में या फिर वीडियो के मेड में आप उनको मैं वर्ब देता हूँ, वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगाई जाती है वो भी बताता हूँ, और उसका क्या अर्थ होता है, किस अर्थ में वर्ब यूज की जाती है वो भी बताता हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में भी वो चीज मैं बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब चलते हैं अपने यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये आज हम सीखते हैं। तो देखिए, पहले यूज के अनुसार ये होता है कि ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। अब यहाँ पे स्थान स्पर्श ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पर का अर्थ पर के लिए एट का भी यूज किया जाता है और अपॉन का भी यूज किया जाता है। तो पर के लिए यहाँ पे जो ऑन यूज होगा वो स्थान स्पर्श के भाव में, मतलब कोई एक चीज किसी दूसरे के साथ स्पर्श में हो तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कि देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। अब और यहां देखिए लगाया गया है, लेकिन टेबल के ऊपर दो किताबें रखी, टेबल और किताब के बीच में स्पर्श है, इसीलिए स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए ऑन का यूज करते हैं। इसी तरह से ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हैंड, सूटकेस और हैंड के बीच में स्पर्श है, इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज किया गया। क्लियर, इससे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि किसी स्थान पर, मतलब किसी वक्त किन्हीं दो वस्तुओं में स्थान स्पर्श हो रहा है, कि दोनों वस्तुओं के बीच में स्पर्श है, वहां पर के अर्थ में ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ हमें अगर को या पर का अर्थ देखने को मिल रहा है तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करते हैं, और ऐसा तभी हम करते हैं जब हमें वहां पर निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट चीज पता लग रही हो कि ये चीज हमें इस टाइम पे होनी है, तब वहां पे ऑन का यूज करेंगे। नहीं तो इनका यूज किया जा सकता है कि जो अनिश्चितता का बोध अगर करा रहा है कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो वहां पे उसके पहले हम लोग इनका यूज कर देंगे, लेकिन अगर निश्चितता का बोध करा रहा है तो वहां पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। जैसे देखिए कि ऑन मंडे या ऑन मंडे इवनिंग या ऑन जनवरी, यहां पर ऑन का यूज किया को या पर के अर्थ के लिए। अगर यहाँ पे इनका यूज कर देते, जैसा इसके पहले की वीडियो लेक्चर में बताया था कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में आपको इनका भी यूज कर, तो इनका यूज वहां जो है अनिश्चितता का बोध कराने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है यहाँ पे आपको निश्चितता का बोध कराने के लिए ऑन का यूज करना रहता है। क्लियर। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और रूल है उनको लेता हूं और बताता हूं कि और इसके क्या क्या यूज है। तो अगले यूज में हम देखते हैं कि ऑन का प्रयोग हमें कहां होगा, पर के अर्थ में। ए एन के साथ अगर किसी व्हीकल का नाम दिया होगा तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे। इसके पहले के रूल में क्या बताया था कि जो इनका यूज होगा, इनका यूज मे के अर्थ में किया जाता है, जबकि ऑन का यूज जो होता है पर के अर्थ में होता है। सेम वही रूल, ए एन के साथ किसी व्हीकल का नाम दिया हो तो वहां पे मे के अर्थ में इन लगाइए और पर के अर्थ में ऑन का यूज कीजिए। देखिए यहां क्या लिखा है कि ही वॉज ऑन अ बस, वो बस पर है। ही वॉज ऑन अ साइकिल, वो साइकिल पर है। तो क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। पर के अर्थ में अगर ए एन के साथ किसी व्हीकल का नाम है तो वहां पे हमें ऑन का यूज करना है। क्लियर। तो ऑन का यूज कहां मिलता है, ऑन का यूज में फूट, अ हॉर्स, अ हॉर्सेस बैक, अ कैमल, कैमल्स बैक, या एन एलिफेंट, या एन एलिफेंट्स बैक, या फिर और कोई सी जीव की अगर सवारी करने के अर्थ में हो रहा हो, वहां पर लग रहा हो, तो वहां पर हम लोगों को ऑन का यूज करना रहता है। फूट के साथ अगर पैरों से यात्रा की, यानी पैदल चला जा रहा है, तो वहां पर भी हमें ऑन का यूज देखने को मिलता है। जैसे देखिए क्या लिखा, ही वॉक्स ऑन फूट, ही राइड्स ऑन कैमल्स बैक, या फिर ही राइड्स ऑन एलिफेंट्स बैक, या ही राइड्स ऑन अ हॉर्स, या फिर ही राइड्स ऑन अ हॉर्सेस बैक। तो इस प्रकार से यहां पर भी हमको ऑन का यूज देखने को मिलता है। क्लियर। तो चलिए इन रूल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और रूल है उसे और लेता हूं मैं। तो आगे देखिए ऑन का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में, की ओर मतलब की दिशा में। जैसे कहा गया कि ही द रॉबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम, कि एक लुटेरे ने उनकी ओर एक चाकू दिखाया, तो की ओर,
तो यहां पर इसका ऑन का यूज देखने को मिला, की ओर जो कि डायरेक्शन बताता है कि मैंने तुम्हारी ओर एक खंजर फेंका, आई थ्रू ए डैगर ऑन यू, मैंने तुम्हारी ओर एक खंजर फेंका, तो यहां पे ऑन का यूज की दिशा में या की ओर के अर्थ के लिए यूज होता है। दूसरा ऑन का यूज क्या होता है, के विषय में या संबंध में, इसके अर्थ के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी चीज अगर किसी के विषय में है या किसी के संबंध में है, किताब हुई या फिर और कोई चीज हुई, तो वहां पे हम लोगों को ऑन का यूज देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, द बुक इज ऑन इंग्लिश, ये किताब जो है इंग्लिश व्याकरण के विषय पर है, यहाँ देखिए ऑन का यूज देखने को मिल रहा है। जैसे दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, ये किताब जो है फूलन देवी के संबंध में है, तो यहाँ देखिए ऑन का यूज देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो चलिए इन दोनों रूल्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ और रूल है इसके वो भी लेता हूं मैं। तो देखिए अब ऑन का यूज क्या होता है, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने का भाव, कहीं पर कोई व्यक्ति जो है किसी भी कमेटी का, किसी भी संस्था का अगर आधिकारिक रूप से सदस्य हो गया है, तो वहां पर अगर पर के अर्थ में आ रहा है तो ऑन का यूज वहां किया जाएगा। जैसे क्या हो गया कि ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ द बीपीएससी, वो बीपीएससी का स्टाफ हो गया है, या सी इज ऑन दिस कमेटी, यहां पर भी आधिकारिक रूप से सदस्य होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहां पे ऑन का यूज किया गया। अब कुछ फ्रेसेस ऐसे हैं जिनके साथ भी ऑन का यूज किया जाता है, जैसे देखिए कि ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन ए फॉर। अब यहां देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको मे या के अंदर के अर्थ के लिए आपको ऑन का यूज देखने को नहीं मिलेगा, जहां मिलेगा वहां पर के अर्थ के लिए मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि मे या के अंदर के अर्थ के लिए आप कभी भी ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, तो अब इसको लिख लीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं हम आगे वर्ब लेते हैं, वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन जोड़ना सीखते हैं। तो इसी के साथ अब ऑन का यूज यहां खत्म हुआ। अब हम आ चुके अपने उस पोर्शन की तरफ जिसका जो प्रॉमिस मैंने शुरू में किया था कि आपको वर्ब दूंगा, वर्ब की मीनिंग बताऊंगा और उसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है वो बताऊंगा, जैसे कि मैं अपने पिछले दो वीडियो लेक्चर से करता आ रहा हूं। तो इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको वर्ब के साथ उनकी कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, किस अर्थ में यूज होती है, ये चीज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो भाई एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक बनता है, बिना लाइक के आगे मोटिवेशन मुझे नहीं मिलता कि और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियो दे पाऊं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब चलते हैं वर्ब लेते हैं और वर्ब के साथ हम लोग देखें कि किस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ब मैंने लिए हैं और उनकी मीनिंग यहाँ लिखी है, उसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाएगी ये चीज बताइए, और वो वर्ब किस अर्थ में यूज किया थी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज मेरे पुराने व्यूअर्स जानते होंगे, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा था। यहाँ देखिए अवॉइड माने दृढ़ता से पालन करना, इसके साथ में प्रीपोजिशन बाई का यूज कर रहता है, और अवॉइड जो होगी एक प्रॉमिस के लिए, मतलब किसी वादे को दृढ़ता से पालन करना बाई लगाएंगे। वहीं पे अवॉइड का अर्थ अगर रहना या ठहरना आ रहा है तो, और वो रहना ठहरना किसी स्थान के लिए है, तो वहां पे हम इनका लगाएंगे या एट का यूज करेंगे। क्लियर, लेकिन वहीं अबाइड का मतलब अगर रहना ठहरना किसी व्यक्ति के साथ आ रहा है तो वहां पे हम लोग विद का यूज करेंगे। यहाँ देखिए वो चीज लिखी हुई, अबाइड में रहना ठहरना विद अ पर्सन, या फिर देखिए अकॉर्ड माने स्वीकृति देना, अब किसी को मतलब किसी व्यक्ति को स्वीकृति देना या किसी व्यक्ति को परमिशन देना, तो टू लगाएंगे और टू समबडी। क्लियर, फिर अकाउंट माने उत्तरदायी होना, किसी कार्य का उत्तरदायी होना, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर, और फॉर अफेक्ट किसी कार्य के लिए आप उत्तरदायी होना। अप्रूव माने मंजूर करना, अप्रूव माने किसी चीज को आप मंजूर कर रहे हैं, तो ऑफ लगाएंगे ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के किसी एक्शन के लिए आप उसे मंजूरी दे रहे हैं। अडेप्ट माने अनुकूल बनाना, अपने आप को या किसी भी चीज को किसी के अनुकूल बनाना, तो उसके बाद हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। और जो वर्ब यूज और जो अडेप्ट यूज होगा वो अडेप्ट हमारा सर्कमटेंसेस के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर, अलाइट माने सवारी पर से उतरना, अलाइट माने सवारी पर से उतरना, तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, जो प्रीपोजिशन यूज होगी फ्रॉम यूज होगी और ये यूज होगा कैरिज के लिए। क्लियर, फिर है अलाइट, अगर नीचे उतरना, कहीं ऊपर से नीचे आप उतर रहे हैं तब वहां पे आप ऑन का यूज करेंगे, और ऑन के साथ द ग्राउंड, यानी इस अलाइट के लिए द ग्राउंड का यूज किया जाएगा। फिर आ जाते हैं अलॉट, अलॉट माने वितरण करना, यानी किसी चीज को कोई चीज अलॉट कर देना, उसके साथ हमें अलॉट जो होगा किसी व्यक्ति के लिए ही होता है, इसीलिए अ पर्सन यूज किया जाएगा, अलॉट जो होगा अ पर्सन के लिए यूज होगा, और इसके साथ हमें टू का यूज करना देखने को मिलेगा, यानी जो प्रीपोजिशन यूज होगी वो टू देखने को मिलेगी। आंसर, किसी व्यक्ति को अगर आंसर दे रहे हैं आप,
तो वहां पे आप टू का यूज करेंगे। अगर किसी कार के लिए, किसी वस्तु, किसी सामान के लिए आप आंसर दे रहे हैं तो आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। अपील माने विनती करना, जैसे कहा नहीं गया कि निचली अदालत में आपका मुकदमा खारिज हो गया, आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, वहां विनती कर सकते हैं। तो वहां किसी व्यक्ति से अपील कर रहे हैं, मतलब जज साहब से कोई व्यक्ति है वहां अपील कर रहे हैं, तो टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी मदद के लिए, हेल्प कर, मतलब हेल्प के लिए आप अपील कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप वहां पे फॉर का यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितना भी वर्ब जो प्रीपोजिशन का यूज आपको बताया है वो आपने अच्छे समझ लिया होगा और साथ ही साथ उन्हें लिख भी लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को और जाइए एक एक प्रयोग लिख लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल में आपको और कहीं वीडियो मिलने वाला नहीं है। एक एक चीज डिटेल में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, तो नोट करके रखिएगा और ये आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। और भाई वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इसे कुछ भी सीखा हो, तो एक लाइक बनता है, एक लाइक, खाली एक लाइक आपसे मांग रहा हूँ। आपका प्यार मिलता रहता है तो मेरा भी मोटिवेशन हाई रहता है और मैं भी अच्छे से आपके लिए नए नए कंटेंट, नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आप आते हैं, देखते हैं वीडियो, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नोटिफिकेशन मुझे मिलता है, मेरे 84% व्यूवर्स जो हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए मुझे चले जाते हैं। तो भाई ये अच्छा नहीं है, आप आइए वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़कर एक वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और ये जो सीरीज चल रही है प्रीपोजिशन की, ये सीरीज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारी सीरीज का पूरा वीडियो लेक्चर आप तक टाइम पर पहुँचता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मिलते हैं अपने इसी सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।